ये मैं अभी मीठी टिकियाँ आटे की सूजी की और होती हैं गुड़ का पानी होता है वो ट्राई करने लगी हूँ। मुझे वैसे पसंद है तो देखते हैं कैसी बनती हैं। ये 1 कप मैंने आटा लिया है जो आम आटा होता है गंदम का। ये सूजी मेरे पास इतनी सी पड़ी हुई थी बस वही मैंने कहा डाल लूँ। ये फ्रिज में रखी हुई थी लगी तो नहीं है वैसे साफ़ है वैसे इसमें वो ब्लैक ब्लैक आ रहे हैं शेड से वो डाल ली है। और ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा है सौंफ थोड़ी सी और नमक है थोड़ा सा 1 या 2 चुटकी बस। इसमें हल्का सा ऑयल डाल देती हूँ ताकि वो सॉफ्ट बने अंदर से भी। ये इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। मैंने आटा थोड़ा सा और ले लिया था पहले 1 कप डाला था लेकिन वो मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने 1/2 कप और ले लिया था। 1 1/2 हो गया है और सूजी है इसको मिक्स कर लूँगी सारे को अच्छी तरह से। बच्चों के बाबा भी लेके आए थे कल वो कहीं सेल हो रही थी बाहर कोई अंकल सेल कर रहे थे तो मैंने वैसे भी मुझे अच्छी लगती हैं और पहले भी हमने खाई हैं तो मेरा दिल कर रहा था खुद ट्राई करूं घर में। और ये इधर मैंने वो गुड़ का पानी है ये इसमें कलर इतना नहीं फील हो रहा कप में डाल के दिखाती हूँ। ये देखें ये गुड़ का पानी था इसके साथ मैं आटा गूंद लूँगी और फिर थोड़ी देर के लिए इसको रख दूँगी ताकि वो हो जाए अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फिर मैं फ्राई करूँगी बना के टिक्कियाँ। ये आटा ऑलमोस्ट हो गया इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी फिर इसकी बनाऊंगी टिक्कियाँ या वैसे कोई और शेप दे दूंगी। ये हल्का हल्का ऑयल लगा लिया मैंने हाथों पे और इसको काफ़ी टाइम हो गया था पड़े हुए अब इसको ऐसे थोड़ा सा कर लेती हूँ। ये देखें स्मूथ हो गया है डोसी बन गई है और काफ़ी स्मूथ है इक्वल हो गई है सारी इसकी ऑयल लगा हुआ है मेरे हाथों पे। अब इसको आपने जौन सी शेप देनी है वो दे दें कोई कटलेट्स की तरह लंबे लंबे भी बना लेते हैं कोई टिक्कियां से बनाते हैं। ये मैंने आटा डाल लिया था हल्का हल्का सा इस पे प्लेट में ताकि वो चिपके ना साथ वैसे तो वो ऑयल है नहीं चिपकेगा। छोटा सा पेड़ा ऐसे करके और फिर इसको हम टिक्की की शेप दे लेंगे। ये मैंने सारी बना ली हैं टिक्कियाँ कोई गुलाई में बनाई हैं कोई लंबी कांटे के साथ इनको मैं वो डिज़ाइन हल्का हल्का सा बना दूंगी इन पे। ऑयल गर्म हो गया है और इसमें मैं अब वो टिक्कियाँ डालूंगी।
ये इनको अच्छी तरह से पकाना होता है क्योंकि आटा होता है। जब ये ब्राउन होंगी फिर इनको मैं निकालूंगी। लें जी ये बन गई हैं और इनमें मैंने बेकिंग सोडा डाला था इसलिए फूल गई हैं ये। कोई नहीं डालते, आपकी मर्ज़ी है डालना है तो डाल लें, लेकिन ये फूल गया। मैं तोड़ के इसको देखती हूँ कैसी हैं अंदर से, और ये अंदर से ऐसे ही हैं। ये देखिए खुशबू भी आ रही है, गुड़ की आ रही है, सौंफ की आ रही है। अब ठंडी होंगी तो खाएंगे। लें जी मीठी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं, मीठा थोड़ा सा कम है, अली ने अभी खाई है। और ये देखें मेरे हाथ पे ऑयल भी गिर गया है, ये सीधी साइड पे वो डालने लगी थी छींटे पड़ गए।